चाहते हैं आपका अभिवादन करता हूं। ये चुनाव महत्वपूर्ण है और पहली बार इस राज्य के अंदर लोग कुंडल निकाल लेते थे और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था, स्कॉर्पियो चुरा लेते थे और 5 मिनट में कट जाते थे, ट्रैक्टर उठा ले जाते थे 5 मिनट में काट देते थे, बेटियों को उठा ले जाते थे 5 साल पहले, रिपोर्ट नहीं होता था। लेकिन योगी शासन में मित्रों खेत से पाड़ा भी कोई नहीं उठा सकता है, ये स्थिति है मित्रों। सरदार पटेल का 182 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाकर मित्रों देश का गौरव बढ़ाया किसी ने तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया मित्रों। में विश्व में जयंती मनाने के लिए किसी ने आग्रह किया बाबा भीमराव अंबेडकर का तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया मित्रों, ये किसी ने किया है तो ऐने मित्रों। मैं एक माँ से मिला, माँ से कहा मैं माँ किसको वोट दोगी, उसने कहा अपने बेटे को वोट दूंगा। आपके बेटा कौन है? नेताजी मेरे पुरखे निकल गए लेकिन पक्का मकान नहीं मिला, मेरे बेटे ने पक्का मकान दिया है। हमके क्या करता है? रिक्शा चलाता है, बेटा नेतागिरी करता है। ये गैस का कनेक्शन जो देख रहे हैं मेरे बेटे ने दिया है, आज 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो देख रहे हैं मेरे बेटे ने दिया है, और बिजली का कनेक्शन भी मेरे बेटे ने दिया। आपके बेटा कौन है? मोदी योगी मेरा बेटा है। मित्रों जिस समय हमारे शुक्ला जी का मोहर लगाएंगे और विधायक बनेंगे और योगी जी शपथ लेंगे लखनऊ में, मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का शपथ लेता हूं, 1 घंटे बाद बोरिया बिस्तर जो छोटे मोटे गुंडे बचे हैं मित्रों ना समेटने लगेंगे, ये स्थिति आ जाएगी राज्य की। ऐने मित्रों 5 साल पहले आप देखे थे बिजली का करंट, तार पकड़ते थे तो बिजली का करंट नहीं लगता था, बिल पकड़ते थे तो बिजली का करंट लगता था, लेकिन योगी शासन ने 24 घंटा लाइट देने का काम किया, 22 घंटे 18 घंटे। अब थका हारा किसान जब घर पहुंचता है मित्रों ना, बीबी का शकल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खाता है मित्रों, ये राज्य की स्थिति है। मैं आपके पास आया हूं कमल खिलाने के लिए। पहली बार राज्य के अंदर मित्रों कोरोना महामारी में अखिलेश यादव कहते थे ये टीका मोदी जी का है, ये टीका बीजेपी वालों का है, ये टीका भाजपा वालों का है। मित्रों ठीक है मुझे गाली दे लो, लेकिन वैज्ञानिकों को क्यों गाली देते हो, डॉक्टरों को क्यों गाली देते हो, स्वच्छता कर्मियों को क्यों गाली देते हो, सिपाहियों को क्यों गाली देते हो मित्रों, जो इस टीका बनाने में वो वैज्ञानिकों ने अपना जीवन लगा दिया मित्रों। इसमें टीका कितने लोग लगाए हैं? आज सिंगापुर में 5 आदमी एक साथ बैठ नहीं सकते मित्रों, छठा बैठता है तो रिपोर्ट दर्ज होता है। मोदी योगी को मैं धन्यवाद देता हूं मित्रों कि देश बच गया, राज्य बच गया। यही नहीं मित्रों 15 करोड़ घरों में भोजन किसी ने पहुंचाया महीने में 2 बार, आदरणीय मोदी योगी ने पहुंचाने का काम किया है मित्रों। उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हम जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, सभा के माध्यम से भी, डोर टू डोर संपर्क के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। 7 साल आदरणीय केंद्र सरकार की, योगी सरकार की, मोदी जी सरकार की योजना, राज्य के अंदर योगी सरकार की योजनाओं को जनता का आशीर्वाद लेने लगे, हमें लगता है पूरे राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। जनता जनार्दन का जबरदस्त आशीर्वाद है और हम सरकार बनाएंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, जैसे अभी गरीबों के साथ जो कहा वो किया, आगे जो करा उसको भी हम करेंगे, क्योंकि सपा बसपा के राज्यों में केवल गुंडागर्दी भ्रष्टाचार हुआ है, योगी सरकार आने के बाद आज लोग खुशहाल हैं। सपा कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं सर, एक तरफा वो तो जो सोच रहे थे तो बदायूं हुआ, औरैया हुआ, कन्नौज हुआ, फरुखाबाद हुआ, एटा हुआ, कासगंज हुआ, मैनपुरी हुआ, इटावा, और वो कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सरकार कहाँ से बनाएंगे, किसी जनपद में नहीं दिखाई। सर आप जिस बिरादरी से आते हैं ये बिरादरियों का गढ़ माना जाता है, 25 साल से आपके भाजपा का गढ़ है, एक लोग मतलब कब्जा किए थे पिछली बार भाजपा के, भाजपा ने उसको तोड़ा था, इस बार भी भाजपा ने तोड़ेगा इसको? भाई सरदार पटेल का सम्मान कौन कर रहा है? सपा जिन्ना की बात करता है, सपा को क्यों वोट देंगे? जात क्या नहीं मतलब है, सपा को वोट क्यों देंगे राष्ट्रवादी? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप जिंदा की तुलना करते हैं सरदार पटेल के जयंती के दिन, आप सरदार पटेल का अपमान करते हैं। आज आदरणीय मोदी जी ने 182 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाकर
विश्व में सरदार पटेल के गौरव सम्मान किया है, चौधरियों का सम्मान किया है, पटेलों का सम्मान किया है। इसलिए चुनाव राष्ट्रवाद का है, जातिवाद का नहीं है, गोत्रवाद का नहीं है, शादी विवाह नहीं है। इसलिए चुनाव राष्ट्रवाद का है। आपका एक वोट सीधे मोदी के पक्ष में जाता है, राष्ट्र मजबूत होता है, देश मजबूत होता है, गरीब का कल्याण होता है, एक दलित का पक्का मकान होता है, उसके घर में गैस का कनेक्शन होता है, पानी उसके घर में पहुंचता है, 5 लाख आयुष्मान का कार्ड पहुंचता है। सपा यदि आ गई तो गुंडागर्दी, यानी उनकी सूची भी देखेंगे ना तो उस सूची में एक भी चौधरी नहीं मिलेगी। पूरा भ्रष्टाचार, पूरा लूट लेते हैं नियुक्तियाँ। 5 लाख नियुक्ति हुई है योगी सरकार में, न जाति चला न पैसा चला। सपा शासन एक वंशवाद की पार्टी है, पूरा मिलकर लूट लेते हैं राज्य को, घोर परिवारवाद है।